Hi friends, I'm Anamika and welcome to Anna's recipe. Friends, aaj hum banayenge suji aur milk ke cutlets. But before I begin with today's recipe, main aapse request karti hu ki aap fatafat mere channel ko subscribe kar lijiye jinhone nahi kiya hai, kyunki aage dikhane wali hu main bahut sari breakfast ki healthy recipes jo aap miss mat kariyega. To aap channel ko subscribe kar lijiye. Friends, कुछ लोगों को लगता है कि सूजी हमारे सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है. फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ सूजी के कुछ बेनिफिट. फ्रेंड्स, सूजी हाई है पोटेशियम में, आयरन में एंड प्रोटीन्स में, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है. सूजी डायबिटिक पेशेंट के लिए और वो लोग जो कि वेट लूज करने वाले हैं, उन लोगों के लिए सूजी बहुत बहुत फ़ायदेमंद है. फ्रेंड्स, सूजी, सेमोलिना और रवा जिसे हम कहते हैं, वो हमारे हार्ट का स्पेशल ध्यान रखता है, ख्याल रखता है और हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है. हमारे बाउल मूवमेंट को, यानी कि जिसे कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक करता है. तो ये देखिए कि सूजी के कितने सारे बेनिफिट्स हैं. आज इसी सूजी को हम बनाते हैं अपने ब्रेकफास्ट में और मिलाते हैं मिल्क के साथ और प्रिपेयर करते हैं इंस्टेंट और क्विक रेसिपी. आइए देखिए इसके इन्ग्रीडियंट्स. Hey friends, click on the subscribe button and press the bell icon to get the latest updates about my recipes. मैंने ली है एक कप सूजी, एक कप पानी और दूध का मिक्सचर, गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, दो बॉइल्ड आलू लिए हैं, थोड़े से बॉइल्ड मटर हैं, मैंने ली है लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक, हरा धनिया पत्ता और हरी मिर्च भी. एक पैन में मैं डाल देती हूँ सूजी और सूजी के साथ साथ ही मुझे पानी और दूध का मिक्सचर डालना है. सूजी के डबल लेना है ये अमाउंट में हमें. इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद डालेंगे इसमें नमक, करीब आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच गरम मसाला. तीनों मसाले डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे और धीरे धीरे ये मिक्सचर गाढ़ा होता जाएगा और एक आटे के रूप में आ जाएगा. देखिए ये कितना थिक होता जा रहा है. इसे और चलाएंगे थोड़ी देर. ये देखिए, अब ये एकदम थिक हो गया है. इसे दो मिनट चला के आप बंद कर देंगे और ठंडा होने रखेंगे. ये एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है. इसे प्लेट पे ठंडा कर दिया है हमने. अब आलू और मटर में थोड़ा सा हरा धनिया, लाल मिर्च और नमक मिलाएंगे. इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसको मैश कर देंगे अपने किसी चम्मच से या हाथों से. मैंने हाथों से मैश कर रही हूँ. इसमें हरा धनिया और लाल हरी मिर्च भी मिला देंगे. अब जो सूजी हमने ली है उसका बना के पेड़ा देखिए, इस तरह से हम उसका शेप देंगे. बीच में स्टफिंग करेंगे और उसको इस तरीके से कटलेट्स की तरह हमें शेप देना है. ये देखिए एकदम इस तरीके से इसे बना लिया, सेंटर में भर के और एक कटलेट्स की शेप दे दी. ये देखिए इस तरह से इसको दबा दबा के एक पूरी की तरह बनाना है. अंदर मटर की स्टफिंग करनी है और इसी तरह से हम अपने सारे कटलेट्स बना लेंगे. इस आटे में करीब 6 से 7 कटलेट्स बन गए हैं मेरे. अब मैं इनको ग्रिल कर देती हूँ. मैंने एक पैन चढ़ाया है, एक नॉनस्टिक पैन. थोड़ा सा मैं उसमें करीब 2 चम्मच ही, उससे भी कम ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ. ये देखिए, इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेते हैं.
ये कम तेल में भी बहुत टेस्टी लगती है और बहुत हेल्दी डिश है। सुबह के नाश्ते के लिए परफेक्ट है। ये देखिए कितने अच्छे से सिक गया है। ये मैं माइक्रोवेव में भी सिक रही हूँ, उसमें मैंने बहुत एक या दो आधी टी स्पून मैंने तेल डाला है। और ये मैं आपको तल के भी दिखा रही हूँ, तो मैंने इसको अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो तीनों तरीके से मैंने आपको बताया है, बिना तेल के, थोड़ा सा तेल के और डीप फ्राई करके। आपको जैसा पसंद है आप वैसा बनाइए। देखिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। फ्राई करने के लिए मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल। आप ये देखिए कटलेट्स एकदम रेडी हैं। ये जो दो कटलेट्स हैं ये हमने डीप फ्राई किए हैं, ये जो दो हैं ये हमने तवे पे ग्रिल किए हैं थोड़ा सा दो ऑयल डाल के, और ये हमने माइक्रोवेव में किए हैं बिल्कुल आधा सा चम्मच तेल डाल के। तो आप जिस भी तरीके से बना सकते हैं इसे बनाइए और खाइए, ये एकदम रेडी है। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरे कटलेट्स? फ्रेंड्स इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत इजीली बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि दो कटलेट्स अगर आप खाएं सुबह ग्रीन टी के साथ तो ये करीबन बैठता है करीब 450 से 500 कैलोरी का ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है और उन लोगों के लिए भी बेटर है जो लोग डाइट कर रहे हैं। तो आप इसे ज़रूर खाइए, ज़रूर बनाइए, देखते रहिए मेरा चैनल और मेरी रेसिपी। बहुत सारी हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज और उनकी इन्फॉर्मेशन लेके मैं फिर आऊंगी आपके पास एवरी वेंसडे एंड एवरी सैटरडे। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।